कश्मीर में बर्फ से ढकी चोटियों से लेकर कन्याकुमारी में धूप से भीगे समुद्र तटों तक श्रीराम के नाम की गूंज ने पूरे भारत में भक्ति का ताना बाना बूंद दिया है। अब इस भक्ति ने अयोध्या में ऐतिहासिक राम मंदिर के रूप में मूर्त रूप ले लिया है। भव्य मंदिर भारत की एकता और भक्ति प्रतीक के रूप में खड़ा है, न केवल भव्यता में बल्कि राज्यों और सीमाओं के पार बुने गए योगदान की टैपेस्ट्री में भी। जहां मंदिर का मुख्य भाग राजसी है, जो राजस्थान के मकराना संगमरमर की प्राचीन सफेद शोभा से ढका हुआ है। जब देवताओं के उत्कृष्ट नक्काशी की बात आती है तो कर्नाटक का चरमौती बालुआ स्टोन से और प्रवेश द्वार की भव्य आकृतियों में राजस्थान के बांसी पहाड़पुर के गुलाबी बालुआ पत्थर का उपयोग किया गया है। गुजरात की उदारता उस दिव्य धुन तक फैली हुई है जो इसके हालों में गूंजेगी। एक 2100 केजी के अष्टधातु घंटी के साथ गुजरात अखिल भारतीय दरबार समाज द्वारा तैयार किया गया एक विशेष नगाड़ा ले जाने वाला 700 केजी का रथ भी गुजरात से आया है। हिमालय की तलहाटी से अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा ने जटिल नक्काशीदार लकड़ी के दरवाजे और हस्तनिर्मित कपड़े, पीतल के बर्तन यूपी से, पॉलिश की हुई सागौन की लकड़ी महाराष्ट्र से भेजी गई है। जनवरी 22 के दिन प्रसाद तैयार करने के लिए भगवान श्रीराम के नानीहाल छत्तीसगढ़ से 3000 क्विंटल राइस, प्राण प्रतिष्ठा के समय पर पहनाए गए वस्त्र, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, 1100 थालियां नेपाल के जनकपुर भगवान श्रीराम के ससुराल से भेजे गए। इसके अलावा नेपाल से रामलला के लिए विशेष उपहार के रूप में आभूषण, बर्तन, कपड़े, 51 प्रकार के स्वीट्स, दही, मक्खन और चांदी के बर्तन भी भेजे गए। पूजा के दौरान इस्तेमाल की गई 108 फीट लंबी अगरबत्ती, पंचगव्य, हवन सामग्री और गाय का गोबर गुजरात के वडोदरा से, भगवान श्रीराम की चरण पादुका हैदराबाद के श्री चिल्ला श्रीनिवास शास्त्री से, पटना के महावीर ट्रस्ट ने उपहार के रूप में 2 करोड़ रुपीस नकद और 5 लाख रुपीस का सोने से बना धनुष बाण भेजा। करीब 8000 से अधिक VIPs और VVIPs के साथ साथ मंदिर कंस्ट्रक्शन में साइट पर काम करने वाले लोगों को भी इस कार्यक्रम के लिए इनवाइट किया गया था। राम मंदिर की कहानी सिर्फ सामग्री या भौगोलिक उत्पत्ति के बारे में नहीं है, यह उन अनगिनत हजारों प्रतिभाशाली कारीगरों के बारे में भी है जिन्होंने इस पवित्र प्रयास में अपना दिल, आत्मा और कौशल डाला है, जिनका मोदी जी ने पुष्प वृष्टि करके सम्मान भी किया है। See you again with a new topic in Global Encyclopedia. Till then, take care and have a nice day.